ब्राह्मण कल्याण परिषद हिमाचल प्रदेश की अहम बैठक कांगड़ा के टंडन क्लब में प्रदेश अध्यक्ष पंडित वेद प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कांगड़ा नगर बाईपास मार्ग के किनारे अग्निशमन कार्यालय के निकट भगवान परशुराम संस्कृति बहुआयामी भवन के निर्माण हेतु सदस्यों के सुझाव तथा धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। भवन निर्माण के लिए सर्वसम्मति से कमेटी का गठन किया गया। बैठक के उपरांत प्रदेश अध्यक्ष पंडित वेद प्रकाश शर्मा और परिषद के महासचिव गौतम व्यथित ने बताया कि आज ब्राह्मण कल्याण परिषद का उद्देश्य था, जिसमें कि भवन निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, उससे सभी से बहुमूल्य सुझाव मंत्री हैं, या उसमें कोई कमी हो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, और एक कमेटी भी बनाई है जो इस कंस्ट्रक्शन कार्य की देख रेख करेगी और सारे कंस्ट्रक्शन कार्य को पूरा किया जाएगा। उसमें मैं हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जमीन के कार्य संधि पूरा होने के बाद ली डीड भी फाइनल हो गई और उसमें उसके बाद 21 लाख रुपया दिया था, जिससे अभी हम निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं। और हम सभी ब्राह्मण समुदाय से निवेदन करते हैं कि सब इस पुण्य कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेकर इसको कामयाब करें और जल्दी से जल्दी इमारत जो है खड़ी हो सके, जो एक ब्राह्मण समुदाय की एक निशानी बन जाए। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें तो ब्राह्मण समुदाय ही इस्तेमाल करें, और किसी को भी इसकी ज़रूरत होगी इस्तेमाल के लिए तो सभी वर्गों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त। प्रदेश के लिए एक बड़े गौरव की बात होगी कि कांगड़ा जो कि सात पीठ है, शक्ति पीठ है, और उस पीठ के अंतर्गत बाणगंगा के तट पर जो इस भवन का निर्माण होगा, और इसका भवन जो है ये बहुमुखी उद्देश्य है इसका। इसमें जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए कांगड़ा से अंकित वालिया। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।